गुड मॉर्निंग बच्चों, आज एक्सरसाइज 13.5 के सवाल आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बे की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया है माचिस की डिब्बी की लंबाई, माचिस की डिब्बी की लंबाई L बराबर दिया है 4 मीटर। और चौड़ाई भी है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी है 1.5 सेंटीमीटर। हमें माचिस का आयतन ज्ञात करना है। माचिस का आकार होता है घनाभ का आकार का, तो घनाभ का आयतन निकालें। यहां लिखेंगे घनाभाकार माचिस का आयतन। घनाभाकार माचिस का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दिया है 4 × 2.5 × 1.5, गुणा कर लेंगे 25 × 100 10 आएगा, गुणे 1.5 15 × 150 15 सेंटीमीटर क्यूब एक माचिस का आयतन आ गया है। ऐसे ही हमें 12 पैकेट माचिस का आयतन ज्ञात करना है। तो अब यहां लिखेंगे 12 माचिसों के पैकेट का आयतन, 12 माचिसों के पैकेट का आयतन बराबर 12 × 15, 15 × 180 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्यों समझ आया? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? यदि 1 घन मीटर पानी का आयतन, 1 घन मीटर बराबर दिया है 1000 लीटर, तो घनाभा का टंकी है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेते हैं। क्या लिखा जाएगा? घनाभाकार टंकी की लंबाई L बराबर 6 मीटर, घनाभाकार टंकी की चौड़ाई B बराबर दिया है 5 मीटर और घनाभाकार टंकी की गहराई मीन्स ऊंचाई H का मान दिया है 4.5 मीटर। हमें निकालना है इसमें कितने लीटर पानी आता है।
पहले हम घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे, तो यहां लिखा जाएगा घनाभाकार टंकी का आयतन बराबर एल बी एच बराबर एल का मान 6, बी का मान 5 और सी का मान एच का मान 4.5। बोला करेंगे 5×6=30 × 4.5 बराबर बोला करेंगे 45×135 135 मीटर क्यूब घनाभाकार टंकी का आयतन आ गया है। अब हमें निकालना है टंकी में कितने लीटर पानी आता है, तो प्रश्न में दिया है 1 घन मीटर = 1000 लीटर। यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर। जब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है तो 135 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, इसलिए 135 मीटर क्यूब = 135×1000 लीटर। ये हो गया 135, बोला करेंगे 1000 आ जाएगा, ये हो गया नहीं। टंकी में 135,000 लीटर पानी आएगा, ठीक समझ आ रहा है। अच्छा ये प्रश्न नंबर 2 हो गया है। अब हम आपको प्रश्न नंबर 3 की ओर ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। जो घन मीटर में दिया हो या घन सेंटीमीटर में दिया हो, समझ जाइए वह किसी न किसी का आयतन होगा। तो घनाभाकार बर्तन है, उसकी लंबाई दिया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, उसमें जो दिया है उसे पहले नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, घनाभाकार घनाभाकार बर्तन की लंबाई, बर्तन की लंबाई L = 10 मीटर और चौड़ाई दिया है 8 मीटर। घनाभ का आयतन इसमें दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया है 380 मीटर क्यूब। हमें निकालना है ऊंचाई, तो घनाभाकार बर्तन का आयतन घनाभाकार बर्तन का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। आयतन इसमें दिया है 380 बराबर लंबाई दिया है 10, चौड़ाई दिया है 8 और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 380 बराबर 10 × 80 आ गया। हमें निकालना है ऊंचाई h, जिसका मान निकालना होता है उसके जो गुणे में होता है वो सदैव भाग में जाता है। तो 380
अस्सी बटे अस्सी, जीरो से जीरो काट दिया, आठ चौको बत्तीस, छह बचेगा, दशमलव लगाएंगे जीरो साठ हो जाएगा, आठ सत्रह छप्पन, चार बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे चालीस हो जाएगा, आठ पन चालीस। तो बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई h बराबर आ गया 4.75 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सो यार बच्चों